हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करेंगे और वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें वो दो स्टॉक्स एफएमसीजी के हैं, दो तीन स्टॉक्स आईटी सेक्टर के हैं, और अगर बात की जाए कुछ ऐसे भी स्टॉक है जो कि जिन्हें पीएलआई स्कीम्स मिली है, तो वो स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न देते हुए नज़र आ सकते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आइए बातें करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो आई बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमारे बहुत सारी सारी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, तो उन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे रूल्स जो बताए गए हैं वॉरेन बफेट के द्वारा, वहाँ पर एक सीरीज शुरू करी है, पहला वीडियो डाला है, तो उसे देख लीजिएगा, बहुत आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी एक स्मॉल कैप का स्टॉक्स था, उसे भी जाके देख लीजिएगा जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। और अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं। और अगर आप आसपास के लोगों की हेल्प करिए, कोविड के सिचुएशन है, लोगों को ज़रूरत है, अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और हम जानते हैं एक एक करके उन स्टॉक्स से लेकर। तो सबसे पहले है अंबर एंटरप्राइजेस। ओके, अंबर एंटरप्राइजेस पीएलआई स्कीम्स का बिल्कुल फ़ायदा इसी स्टॉक को होता हुआ मिलेगा। बहुत लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन, मतलब 2018 में ये शेयर आते हुए दिखा था, 3 साल हो गए और उसके बाद से जो रैली इसने बनाई है, और खासकर इसने जो पेंडेमिक में रैली बनाई है, जब इसके लिए एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी न्यूज़ आई, तो इस शेयर ने अच्छा खासा आपको रिटर्न, मतलब 3 गुना ये शेयर होता हुआ नज़र आया है। तो ऐसे ही शेयर में हमें इन्वेस्ट करना है जो कि परफॉर्मेंस भी करके दिखाए, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि अच्छी खासी, मतलब इसके फंडामेंटल्स भी हमने चेक करे हैं, टेक्निकल्स भी चेक करे थोड़े बहुत, तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है। तो अगर बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 मंथ का चार्ट पैटर्न, और अगर हम देखते हैं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, और इसका हाई देखते हैं ना, तो ये लगभग 3600, अगर यहाँ पर देखिए 3662 रुपये तक ये शेयर गया था। और अगर हम यहाँ पर से इसके टॉप से यहाँ पर देखते हैं, मतलब 1.5 महीने पहले इसके लास्ट रिजल्ट से बाद से शेयर गिरता नजर आ रहा है, और लगभग 30% तक ये शेयर गिर चुका है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ये खरीदने का। देखो, पहले इसका ये बेस यहाँ था, अगर यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ पर इसने तोड़ दिया है, और अगर बात करें अब रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ओके, जिसके आसपास ये चल रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि अब ये थोड़ा बहुत नीचे चले जाए तो कह नहीं सकता, बट स्टिल ये यहीं से ही बाउंस बैक करेगा। और 39 के आरएसआई पे ये शेयर चल रहा है, और ऐसे स्टॉक्स को जो कि ऑलरेडी अगर बात करें कितना 20% के आसपास टूट चुका है, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये शायद 20% के भी रिटर्न दे दे, वरना 3-4 महीने का भी व्यू लेके चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि ये अपने 3600 जो इसका लास्ट ऑल टाइम हाई था, इधर तक जाते हुए ये दिखाई देगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो इस शेयर की तरफ नज़रें बनाइए, पीएलआई स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, और गर्मी बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली बात है ये गर्मी में अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए एसीज बनाता हुआ ये कंपनी दिखती है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा दूसरा शेयर है एलटीआई, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। इसके रिजल्ट हमने देखे बड़ी माशाल्लाह, इसके रिजल्ट थे काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत इसके रिजल्ट नज़र आए थे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी इसका काफ़ी बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। और अगर बात करें रिजल्ट के बाद से गिरता नजर आ रहा है, और रिजल्ट के बाद से भी क्या बात करें, तो अगर हम देखें इसका ऑल टाइम हाई इसने यहां पर लगाया था, आप देख सकते हैं 4483 का, ओके, उसके बाद से लगभग यहां पर गिर चुका है, और लगभग ये भी शेयर अगर बात करें 18-20% गिर चुका है, तो यहां पर एक्युमुलेट करने का एक अच्छा टाइम है, और मुझे लगता है ये दोबारा 4500 रुपीज़ तक ये शेयर जाएगा। ओके, ये लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर आपको वीडियो बना के बताया था कि ये शेयर दोबारा जाएगा, यहाँ पर गया भी था, फिर अभी रिजल्ट के बाद एक बार नीचे आ गया है, बट आने वाले 3 महीने में दोबारा ये इसी तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, और बहुत अच्छे आरएसआई पे ये शेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये शेयर, तो लगभग 33 के आरएसआई पे शेयर नज़र आ रहा है, और काफ़ी नीचे आ गया है। बाय ऑन डिप्स, अगर और नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स करिए, किसी के पास है। बाकी इसका रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 3600, ये जो इसका एक रेजिस्टेंस है 3590 के आसपास, तो यहाँ तक शेयर आ सकता है, बट स्टिल बाय ऑन डिप्स कर कभी भी यहाँ पर से मोड़ भी सकता है, तो इसको आप ध्यान में रख के, ओके, बाय ऑन डिप्स करके शेयर की तरफ नज़रें बना सकते हैं। तो एलटीआई, लार्सन टुब्रो इन्फोटेक, 2500 रुपये का डिविडेंड भी दिया था, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। बाकी बात करें इन्फोसिस,
एक अलग स्टॉक है। इसके बाद बात करूँ तो बाईबैक भी इन कंपनी ने अनाउंस किया है 1750 का, बट ओपन मार्केट से लेंगे तो ये 1750 का मुझे लगता है कि 3 महीने तक, ये शायद 1750 तक जब एक बार बाइंग शुरू करेंगे इन्फोसिस वाले ना, क्योंकि 9000 करोड़ रुपीज़ का वो बाईबैक था, तो ये शेयर भागता हुआ आपको नज़र आएगा। ऑल टाइम हाई भी अगर देखते हैं तो लगभग 1500 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ नज़र आया था। मैक्सियन चार्ट पैटर्न आपको पता ही है, इससे बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है और सबसे बेहतरीन फास्टेस्ट रिटर्न देने वाली ये कंपनी है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। ये भी शेयर काफ़ी टूट चुका है ओके, और अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है इस, और ये इस बाईबैक की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ 1750 तो छोड़िए, अगर 1600 रुपये भी जाता है तो लगभग 250-300 रुपये का आपको मूव मिल सकता है, तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक और शेयर है इन्फोएज। इन्फोएज देखिए मल्टीपल इसके, ये कंपनी क्या है, ये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। जोमेटो में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और उसमें 750 करोड़ रुपीस का लगभग इसमें आईपीओ में इनका ओएफएस भी आने वाला है। और बात करें पॉलिसी बाजार जिसका बहुत जल्दी उसका भी आईपीओ आने वाला है, तो ये जो आईपीओज आएंगे ना एक एक करके तो आपको बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए नजर आएगी ये कंपनी। देखिए अगर 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ऊपर जाती है 4500 रुपीस तक, फिर नीचे आती है, फिर 5500 तक जाती है, फिर नीचे आती है। ये अभी कंसोलिडेशन फेज कह सकते हो कि एक कंसोलिडेशन फेज पर चल रही है, और जैसे ही आईपीओ, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में आईपीओ आने वाला है जोमेटो का, और जैसे ही आईपीओ मार्केट में हिट होता हुआ नजर आएगा ये शेयर रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा, और लगभग 8000 रुपीज तक तो ये जाता हुआ नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बाजार का भी अगर साथ में आईपीओ आ गया तो ये 10000 से पहले नहीं रोक रहा, और फिर आपको बोनस भी मिलता हुआ दिखाई देगा जैसे अलग अलग कंपनीज में मिलता हुआ आपको दिखाया इस बार। और ये कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है कह सकते हो, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, और यूनिक बिजनेस को मतलब छोटे छोटे बिजनेस को चूज करती है जो कि बाद में चल के यूनिकॉर्न भी बनते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके ऊपर भी मैंने पूरी आपको स्टडी करके बता रखा है, तो उसकी वीडियो में आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा इन्फो है। और काफी नीचे ये ऑलरेडी आ चुका है, अगर इसके भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए ये अभी तो देखिए इस रेंजिश यहाँ तक आ सकता है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 4600-1900 रुपये तक, अगर उसे भी तोड़ता है तो फिर यहाँ पर ये नीचे सीधा यहाँ पर इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस था ओके 4167 तो वहाँ तक भी आ सकता है, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि देखिए अभी रिजल्ट भी आने वाले हैं, कभी भी इस महीने में रिजल्ट पता चल जाएगी हमें बता, और जब पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बता दूंगा, और जब भी ये रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे तो यहाँ से बाउंस बैक करने का वो पूरा का पूरा चांसेस है, और अगर नहीं भी करता तो आपको कहना चाहूँगा बायो डिप्स करके शेयर की तरफ नज़रें बना सकते हैं। इसके अलावा एक और शेयर है सीएट लिमिटेड। इसके जो रिजल्ट आए थे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए थे, मैंने आपको दिखाए भी थे ओके, अपने ऑल टाइम हाई से तो देखिए काफ़ी नीचे चल ही रहा है ये शेयर ओके। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर 52 वीक इसने जो हाई बनाया था 12 फेब को लगभग 1700 रुपये के आसपास, यहाँ देख सकते हैं 1763, उससे भी देखिए काफ़ी नीचे चल रहा है, लगभग 500 रुपये के लगभग नीचे चल रहा है, और ये शेयर टायर कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे पेश किए हैं। और इसको और मेरा तो मानना देखिए ये है कि अच्छे स्टॉक्स में अगर आपको 30 के RSI या उससे नीचे के RSI पे आपको मिल जाए तो आप ऐसे कंपनी में बना के रह सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो 27 के RSI पे चल रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये RSI चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं लाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 के RSI पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, और ये जिस दिन भागना शुरू करी आप देखिए इसके पीयर्स भागते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्री ओके, दूसरे जो टायर्स की कंपनी है 2-3% का उछालता है, बट ये अभी फ्लैट नज़र आ रही है यहाँ पर, और ये यहाँ से बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस हैं, बट फिर भी अगर नहीं करते तो यहाँ पर अलग अलग सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल 1204 रुपये के आसपास नजर आता है ओके, और दूसरा सपोर्ट 1181, तो यहाँ पर के चांसेस बड़े कम हैं, बट यहाँ पर भागती हुई कंपनी नजर आ सकती है, तो ध्यान दीजिए 2-3 महीने में ये मेरे को लगता है कि इस लेवल को जो इसका 1544 का ऐसे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्रॉस करती हुई नजर आएगी, जो कि 20% से ज़्यादा के इसके रिटर्न है, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। इसके अलावा एक और कंपनी है, जैसे कि हमने अंबर इंटरप्राइजेस की बात करी थी क्या बनाती है AC, तो एक और कंपनी है ओके ये भी AC बनाती हुई नजर आती है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनर इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर ये कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखूँ तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। कभी 30 रुपये का शेयर हुआ करता था, बट वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास काफ़ी 6-7 महीने से ये शेयर है। ये अगर बात करें तो देखिए ऊपर जाता है, 2900 तक गया फिर नीचे आया, फिर 2900 तक गया फिर नीचे आया। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई भी 2940 के आसपास है। और अभी बात करें तो ये कंटिन्यूसली गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 20% से ज़्यादा गिर चुका है। रिजल्ट आएगा और एकदम ही जब ये एसी के स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले अंबर ब्लू ब्लू स्टार के रिजल्ट देख लेते, काफी अच्छे रिजल्ट आए थे, लगभग 7 गुना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न मिलता हुआ नजर आया था। तो इनके रिजल्ट भी अच्छे, अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से रिजल्ट अच्छे नहीं भी आए ना तो भी कहना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के व्यू से ये सारी की सारी कंपनी काफी बेहतरीन है, तो इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर बताऊँ इसका, अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर इनका RSI देख लेते हैं, तो इसका RSI देखिए ये इसी कंसोलिड, यहाँ पर ये अगर बात करें 31 का RSI है और इसी लेवल पर बार बार आके ये मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लास्ट टाइम यहाँ पर था। और अगर बात करें यहाँ पर तो अगर इससे ज़्यादा गिरा तो ये 2100-2200 रुपये तक गिरता हुआ नजर आएगा, बट मुझे लगता नहीं है। सीधे अपसाइड मुझे नज़र आ रही है, लगभग लगभग 20-25% के रिटर्न 1-3 महीने के अंदर अंदर ये कंपनी भी दे सकती है। इसके अलावा बात करूँगा डाबर इंडिया, FMCG सेक्टर के 2 स्टॉक चुने आपके लिए, काफ़ी बेहतरीन है। सेम इसी तरीके का चार्ट पैटर्न नज़र आता है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है कंपनी, और आप इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर देखिए इनके रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आते हुए नज़र आए थे, इस वजह से ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 5 यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई तक गया, उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ ये शेयर नज़र आया। अगर बात करें इसका ऑल टाइम हाई 581 का है, और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो लगभग लगभग 10% तक ये शेयर गिर चुका है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा इनका बिजनेस भी है, जो कि हम आगे चल के अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो हम देखते हुए नजर आएंगे। इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप डेली बेसिस पे आप यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर एक सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है 517 रुपये के आसपास, जिसके जो ये चल भी रहा है ओके। और अगर ये थोड़ा सा और गिरता हुआ नज़र आया तो यहाँ पर एक 500 के आसपास का लेवल है। इसके अलावा 5 यहाँ पर बात करें तो एक ये लेवल मुझे साफ नज़र आता है जो कि 500 रुपये के आसपास है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अगर कंसोलिडेशन किया या फिर गिर गया तो ये इस दोबारा इसी लेवल पर जाता हुआ हमें फ्यूचर में नज़र आ सकता है। 3 महीने से 6 महीने का अगर टारगेट रखेंगे तो ये 600 रुपये के आसपास यहाँ पर गिरता हुआ चलता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी अच्छे RSI पे ये शेयर अभी मिल रहा है 36। इसके अलावा एक और शेयर है ब्रिटानिया ओके। इसे अगर आप सोच रहे हो कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो इसका इस कंपनी के को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन बात करें बहुत अच्छी कंपनी है। और ऑल आप यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गिर चुकी है ये कंपनी, बेशक से रिजल्ट अच्छे ना दिए हो कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कंपनी को कोई परवाह ही नहीं होती। लास्ट टाइम भी इसने रिजल्ट अच्छे नहीं दिए थे, बट स्टिल ये कंपनी देखिए गिरी फिर यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न। तो अगर 3 महीने में अगर ये अगर हम यहाँ देखते हैं 22 फेब को यहाँ पर इसका नीचे आया था, और यहाँ पर देखते हैं 10-15% के रिटर्न दे देते हैं, तो क्या बुराई है। दोबारा इस यही अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, फिर दोबारा ये 10% गिरती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा सा और गिर सकती है, या बाय ऑन डिप्स करके अभी से शुरू कर दीजिए इसमें लेना। ये दोबारा 4000 रुपीज़ तक जाती हुई नज़र आएगी, 4000 नहीं 3800 पे भी गई तो आपको सीधे 10-12% के रिटर्न मिलेंगे, और चुपचाप वो लेके निकल जाइएगा। फिर दोबारा मौका देगी ये कंपनी या दूसरी और कंपनी यहाँ पर मौका देती हुई नज़र आएगी। अगर इसके भी RSI की बात करें तो इसका भी RSI बड़ा फेवरेबल चल रहा है, बात करूँ तो 33 के RSI पे चल रहा है। लास्ट टाइम इसका अगर बात करें यहाँ पर यहाँ तक नीचे आ सकती है, इसके बाद बात करें तो यहाँ पर 3300 रुपये तक भी ये आ सकती है, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने की मैं सलाह देता हूँ आपको, अगर आपको 2 शेयर लेने की क्षमता है तो 1 लीजिए, 10 लेने की क्षमता है तो 5 लीजिए, और सीधे सीधे 100-100 रुपये के गैप में या 50 रुपये के गैप में आप पैसा लगा दीजिए, अच्छे खासे पैसे फ्यूचर में बनते हुए दोबारा नजर आएंगे 3 महीने के अंदर अंदर। नेक्स्ट जब इसके रिजल्ट आएंगे दोबारा इसी लेवल पर कंपनी उससे पहले नजर आएगी मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर। तो आप इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके अगर 10-10% भी हर महीने कमाते हैं तो 40% के रिटर्न ओके 40% के रिटर्न आपके ईयर में होते हैं। तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग करके स्विंग ट्रेडिंग करके आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बना सकते हो। और अगर कभी ये आपके लेवल से और नीचे आ जाता है तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी मैंने आपको ऐसी कंपनीज बताई है कि कल को और नीचे आ जाती है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पर बाय ऑन डिप्स करके जितना माल उठाना चाहते हो उठा सकते हो। तो ये सारी कंपनी थी, कितनी कंपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 ऐसी कंपनीज बताइए जो काफ़ी बेहतरीन है।
तो इनमें आप काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको मिल रही है बाय एंड डिप्स करके, या सीधे पैसा लगा के यहाँ पर खरीद सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। ब्रिटानिया, डाबा, जैसी, HSE, अगर बात करें सीएट, नौकरी, इंफोसिस, LTI और अंबर इंटरप्राइजेज, ये 4-8 कंपनी मैंने आपको बताई है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, खुद की स्टडी करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।